नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप सैमसंग गैलेक्सी नोट 8 का जो ऐप चेयर वाला फीचर है वो कैसे पा सकते हैं। हालांकि इस फीचर का एक एडवांटेज है कि जिसमें अगर आप किसी दो पर्टिकुलर ऐप्स को सिलेक्ट कर देंगे तो जब भी आप उन पर क्लिक करेंगे तो वो दोनों एप्लीकेशन मल्टी विंडो के साथ, दोनों ही एप्लीकेशन साथ में ओपन होंगी। तो आप ये फीचर किसी में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन रिक्वायरमेंट सिर्फ इतनी है कि आपके डिवाइस में एंड्रॉयड नोगट होना चाहिए। अगर मैं आपको अपने डिवाइस की बात बताऊं तो यहाँ पे मेरा डिवाइस पहले से ही एंड्रॉयड नोगट पे रन कर रहा है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं सैमसंग एक्सपीरियंस 8.1 के साथ। तो बस आपको सिंपली अपने प्ले स्टोर में जाना है और इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है और कुछ परमिशन जिसके लिए एनेबल करनी होगी। जैसे ही आप इसे एनेबल कर देंगे तो आप यही सोचे होंगे कि आखिर मैं इसे यूज़ कैसे करूँगा। तो सबसे पहले आपको अपने होम स्क्रीन में आना है और विजिट्स में आने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना होगा स्प्लिट स्क्रीन का, जो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा। बस आपको एक विजिट यहाँ पे क्रिएट करनी होगी। तो बस आपको यहाँ पे कोई भी अपनी टू एप्लीकेशन जिनको भी आपको साथ में ओपन करना है वो सिलेक्ट करनी होगी। जैसे कि मैं यहाँ पे कैलकुलेटर सिलेक्ट कर देता हूँ और दूसरी एप्लीकेशन मैं कैलेंडर सिलेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्रिएट कर दिया है। तो यहाँ पे जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे तो दोनों ही एप्लीकेशन साथ में ओपन हो जाएंगी विथ मल्टी विंडो। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोनों ही एप्लीकेशंस कैलकुलेटर और कैलेंडर दोनों ही साथ में ही ओपन हुई हैं। तो इसी तरह आप और भी सारे ऐप्स के साथ ऐसे ही कर सकते हैं, और भी शॉर्टकट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए हमेशा ऐसी ही वीडियोज लेके आता रहूँगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। And the man on the jukebox, I never would stop to dance. And I'm singing, boy, you know I want you.